हेलो स्टूडेंट्स तो मंडे आ चुका है तो आपकी नई वर्कशीट भी आ चुकी है तो आइए देख लेते हैं आपकी साइंस की वर्कशीट ये वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर सिक्सटीन ये वर्कशीट है आपकी न्यू टॉपिक पर इलेक्ट्रिसिटी पर और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी आपके आसपास हर जगह है तो आइए देख लेते हैं इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया है तो सबसे पहले आपको बताया गया है चार्ज के बारे में अब चार्ज क्या होता है नाउ चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम तो आपको एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है आपने ग्रेड नाइन्थ में ये किया है तो so, एक एटम की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टी है एटम की वो है चार्ज द एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो एटम्स के अंदर थ्री एलिमेंट्स होते हैं थ्री कॉन्स्टिट्यूशन uh, होती हैं उसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स तो इसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक जो मैटर uh, है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी अगर मैटर है आप मैटर भी ऑलरेडी कर चुके हैं तो कोई भी अगर मैटर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है अब वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर तो चार्ज कैसे होते हैं तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव तो चार्जेस जो है डिफरेंट हो सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल इन चार्ज होते हैं तो यहीं से किसी मैटर में जो है वो चार्जेस आते हैं क्योंकि हर एक मैटर के अंदर एटम्स है और हर एक एटम के अंदर अंदर जो है वो प्रोटोन है न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं की वजह से वो मैटर में इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर तो अगर दो सेम तरह के चार्जेस हैं जैसे कि प्लस और प्लस है पॉजिटिव और पॉजिटिव है या नेगेटिव और नेगेटिव है तो ये जो है आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे अगर आपने मैग्नेट्स में देखा होगा तो बहुत आप कुछ हैं जो एक दूसरे से दूर भाग तो वो मैग्नेटिज्म में उसका रीजन अलग होता है वो पोल्स की वजह से होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर ही है उसमें क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की वजह से अगर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं आपस में तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं दे रिपेल ईच अदर वहीं पर अगर नेगेटिव नेगेटिव पास आ जाते हैं तो वो भी रिपेल करेंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर तो अगर कोई ऐसे चार्ज हैं जो एक दूसरे से अलग हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे से अलग है तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसे याद रखिएगा आगे चलते हैं कोलम बताया गया है नाउ कोलम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जैसे कि हम अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लिखते हैं के एम लिखते हैं हम या हम मीटर्स में लिख सकते हैं या अगर हम दूध का मेजरमेंट देते हैं तो हम लीटर्स में लिखते हैं या किसी लिक्विड का जैसे वाटर अगर आपको मेजर करना है तो वो लीटर्स में तो वो उनकी एस आई यूनिट्स हैं इसी तरह से अगर आपको चार्ज को रिप्रेजेंट करना है कि कितना चार्ज है तो वो आप कैपिटल सी यानी कूलम से उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उस अब ये कूलम होता क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इन टू टेन टू पार माइनस नाइनटीन तो एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है अगर तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा उसका चार्ज है नेगेटिव ऑफ बिकॉज आई सेड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऑफ 1.6 1.6 10 to the power minus 19. Jo, uh, into 10 to the power minus 19 19 ये जो जो आएगा आंसर इसका उतना कूलम चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ई स्मॉल ई एंड एन इज द नंबर ऑफ electrons पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन टाइम टी देन द चार्ज क्यू कैन बी written एज इलेक्ट्रॉन so, uh, पे चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई e से तो एक छोटा इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर चार्ज है कितना चार्ज है लेट से कि स्मॉल ई चार्ज है एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन टाइम टी तो अगर एक कोई भी आप पॉइंट ऑफ टाइम ले लीजिए वो उसको लेट से हम टी बुलाते हैं वो कुछ भी हो सकता है वो वन सेकेंड हो सकता है वो वो हो हो सकता है, वो ten thousand seconds हो सकता है है कुछ भी अगर, let's say, t अगर हम बुलाते हैं तो उस टाइम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पास थ्रू कर रहे हैं तो उनका जो चार्ज क्यू है तो क्यू होता है चार्ज तो अगर आपको लिखना है जैसे कि रिप्रेजेंट करना है तो चार्ज अब देखो चार्ज बहुत बड़ा वर्ड है तो उसको अगर चार्ज को छोटा में लिखना है तो आपको क्यू लिखना होगा तो वो जो क्यू जो है वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो अगर आपको चार्ज लिखना है कि एक छोटे ई माने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इन टू एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लेट्स कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू कर रहे हैं इतने टाइम टी में तो उस पर चार्ज कितना होगा उसका फॉर्मूला आपको यहां दिया हुआ है तो क्यू इक्वल टू एन इंटू तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अब इसको इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अगर हमें ये देखने हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ये फार्मूला यहां पर देख सकते हैं ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम ये कैसे करेंगे n इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ई तो ऊपर हमने यहां पर फार्मूला देखा था q इक्वल्स टू एन ई तो q यहीं पर रहेगा e जो है अगर क्योंकि e यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो q से वो डिवाइड होगा तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि एक कूलम चार्ज में q क्या है चार्ज है और सी जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन वो उसकी एस SI यूनिट है तो लेट से यहाँ पर हमें पता है कि एक कूलम चार्ज है और हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये जो ई e है ये जो चार्ज है ये क्यू से यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो यही जो फॉर्मूला है यहां पर लिखा गया है एन इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ई अब Q जो है वो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वन कूलम होगा हमें निकालना है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें देखना है तो Q है वो है वन कूलम E जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं E क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पार माइनस नाइनटीन तो हमें देखना है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं Q डिवाइडेड बाय E तो हम करेंगे वन डिडेड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस और इसका आंसर आ जाता है into 10 to the power 18. एक फाइव इंटू टेन टू दी पार एटीन इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले से ये पता चल गया है कि एक कूलम का मतलब होता है एक कूलम का मतलब होता है कि सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पर एटीन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो एक कूलम के इक्वल है तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पर एटीन इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर जितना चार्ज है वो एक कूलम के इक्वल है तो अब आगे चलते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आपको बताया गया है अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाई दार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इनकेटेंट है यूनिट टाइम मतलब वन मिनट वो वन होना यहां जरूरी है तो एक सेकेंड में एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट करता है तो आप कोई भी एरिया ले सकते हैं कोई भी सेक्शन ले सकते हैं कोई भी अगर आप एरिया उठाते हैं और एक यूनिट ऑफ टाइम में अगर आप देखते हैं लेट से एक सेकेंड में उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक करंट बताएगा so in other words it is the rate of flow of electric charges in a conductor to so conductor aapko pata hai kya hote hai conductor wo hote hai wo materials hote hai jo easily electricity ko pass through karte hai to conductor me se jo rate of flow of electric charge hai उसे electric current कहते हैं तो so कितने rate पर electric charge flow कर रहा है वही electric current है so if a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t then the current i through the cross section is given by i equal to q by t to ye jo upar jo definition hai ye usi koi formula ke form mein yahan par aapko explain kiya gaya hai to let's say ki charge hai q तो हमने एक uh, conductor में कितना charge flow हो रहा है हम उसको represent कर रहे हैं q से तो कोई भी अगर उसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं उस कंडक्टर का उस कंडक्टर का कोई भी पार्ट निकाल लेते हैं कोई भी एरिया निकाल लेते हैं इन टाइम टी तो टाइम को लेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने टाइम में तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टी से देन द करंट आई तो इसमें इस कंडक्टर में, इस में इतने समय में इतना चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसका करंट आई जो है अब आई जो है यहाँ पे करंट का ही रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें जो करंट आई है वो कितना होगा वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा वो फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी तो उस चार्ज को हम अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस कंडक्टर में कितना करंट पास हो रहा है आई वो मिल जाएगा ट्रिक करंट इज एम्पियर तो जो ऐसा SI यूनिट है उसकी रिप्रेजेंट हम करंट को करते हैं आई से कैपिटल आई से और उसके जो यूनिट है जो यूनिट है रिप्रेजेंटेशन की वो है एम्पियर मतलब की कैपिटल ए नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंड्रे मेरी एम्पियर तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे आंड्रे मेरी एम्पियर उनके नेम के वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को ये ऐसा यूनिट दिया गया है ए एंपियर नाउ वन एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ वन कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है तो एक एम्पियर होता है वन कूलम अपॉन वन सेकेंड तो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन में जनरली मिनट्स में दे दी जाती है और आपको इंपॉर्टेंट है कि वो आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो अगर आपको एम्पियर में करंट निकालना है और हम एम्पियर में ही निकालेंगे क्योंकि ऐसा ही यूनिट करंट की एम्पियर ही है तो अगर हमें एम्पियर में करंट निकालना है तो हम चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे वन कूलम से सो क्यू विल बी जितना भी कूलम है तो एक एम्पियर में कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो होगा वन कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो होगा तो एक कूलम जो है कूलम क्या है हमें पता है ये एस यूनिट है चार्ज की तो वन कूलम बाय वन सेकंड जो आएगा वो होगा उतना वन एम्पियर करंट इसी को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मिली एम्पियर क्या होता है वन मिली एम्पियर होता है टेन टू पार माइनस थ्री एम्पियर ओके सो एक एम्पियर तो हो गया वन एम्पियर इक्वल्स टू वन ए वन मिली एम्पियर आपने मैथ में ये जरूर किया होगा मिली मतलब टेन टू दी पार माइनस थ्री सो वन मिली एम्पियर हो गया टेन टू दर माइनस थ्री एम्पियर वन माइक्रो एम्पियर है यहां पर वन माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू टेन टू दावर माइनस सिक्स एम्पियर ए तो ये फॉर्मूलाज आप याद रख लीजिए कहीं पर अगर ये आता है क्वेश्चंस में तो आपको कन्वर्जन में ये फार्मूलाज काम आते हैं अब आगे चलते हैं एम मीटर क्या है सो एम मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इट इज ऑल करंट इज मेजर मेजर इज तो क्या होता है एम मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सर्किट में ये यह यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है एक सर्किट में कितना करंट पास थ्रू हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो एम मीटर मेजर करता है आप इजीली इसे याद रख सकते हैं करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर तो उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी है एम मीटर ओके इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज तो सर्किट्स के भी दो तरीके होते हैं कनेक्ट करने के आप उसको पैरल तरीके से कनेक्ट कर सकते कनेक्ट कर सकते हैं या आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं एक के बाद एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं तो एम मीटर जो होता है वो हमेशा ही हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है ओके okay? अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे याद रखिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट तो जब एक सर्किट बनाते हैं हम सर्किट क्या होता है सर्किट सिंपली वो चीज है जिसमें एक बैटरी होगी कनेक्टिंग वायर्स होंगे और बीच में अगर आप चेक करना चाहें तो बल्ब होता है ताकि आपको ये पता रहे कि सर्किट चल रहा है या नहीं चल रहा है तो ये जो है एक सर्किट है अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है ये इंपॉर्टेंट है इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर तो ये आपका सेल है सेल यानी बैटरी है बैटरी होता है बड़े सारे सेल्स अगर सीरीज में आप लगाए तो वो बैटरी बन जाता है मोर देन वन सेल बैटरी बन जाता है ये एक है तो यहाँ सेल है ये यहाँ पे प्लस है पॉजिटिव टर्मिनल सेल का अगर आप घर पे भी आप सेल देखेंगे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा जो आपकी घड़ी के सेल होते हैं आप उस पर भी इजीली देख सकते हैं तो ये जो प्लस साइन है ये है पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव साइन जो है ये है नेगेटिव टर्मिनल तो एक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है तो डायरेक्शन जो होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वो ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है ये अगेन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से करंट शुरू होता है यहाँ से जाता हुआ ये बल्ब है आपका बल्ब से जाता हुआ ये एम है एम से जाता हुआ ये की है की से आप सर्किट uh, जो है वो ओपन और क्लोज करते हैं यहां से जाता हुआ वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट इस वर्कशीट में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है द वर्क डन इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू मूव q फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई भी ऐसा मटेरियल मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो रही है तो एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट मतलब वन वन पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट ए तक पहुंचाने के लिए एक कंडक्टर जो है जो काम कर रहा है जितना एफर्ट लगा रहा है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और वो कैपिटल वी से रिप्रेजेंट होता है सो दैट वर्क डन जो एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉजिटिव चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक ले जाने के लिए एक सर्किट में जो जितना एफर्ट डाला जा रहा है जितना वर्क किया जा रहा है है उसको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आपकी वर्कशीट में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इजी क्वेश्चंस हैं आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है पहला क्वेश्चन है राइट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं बिल्कुल आपकी वर्कशीट में ये दिया हुआ है कूलम सी इज द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज ये आपका आंसर वन है और साथ ही साथ आपका आंसर वन है ये द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर और ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल ए ये आपका आंसर वन है अब चलते हैं क्वेश्चन टू की तरफ क्वेश्चन टू है आपका एक न्यूमेरिकल तो आइए जल्दी से ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो इस न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है अ करंट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ फॉर टेन मिनट्स फाइन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दर्किट तो एक फिला फिल्मेंट है और उसमें ampere जो है करंट फ्लो हो रहा है और कितनी देर तक बल्ब जल रहा है वो जल रहा है टेन मिनट्स तक तो so, आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर फाइन करना है दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपको यहां पर फाइन करना है तो िकल अगर आपको करने हैं तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या है आप वो नोट डाउन कीजिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से ठीक है तो आप यहां पर लिख सकते हैं करंट इन द फिलामेंट इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर उसकी एसआई यूनिट है ये आपने यहां ली फिर आप लिखेंगे टाइम आपको कितना दिया गया है टाइम आपको दिया गया है टेन मिनट्स लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम टाइम को यहां पर स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हम आपको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो जब सेकंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं सिक्सटी सेकंड्स तो टेन मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे सिंपल सा है ये टेन इंटू सेकंड्स तो आपका आ जाएगा यहाँ पर सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है तो ये आपके सेकेंड्स हो गए टाइम हमारे पास आ गया अब हमें ढूंढना है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये हमें नहीं पता है हमारे पास फॉर्मूला है इस वर्कशीट में ऑलरेडी आपको दिया गया है आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी तो आई करंट जो है वो इक्वल है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम तो आई यहां पर आपको दिया गया है जीरो पॉइंट फाइव एमपियर और चार्ज आपको Q निकालना है और टाइम आपको दिया गया है यहां पर 600 हंड्रेड सेकेंड्स तो चलिए ये सिंपल मैथ है क्यू क्या होगा फिर अगर हम आपको पहली मैथ में यहां बता चुके हैं ये 600 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाईड बाय सिक्स ये आपका चार्ज है और चार्ज का यूनिट क्या है ये यूनिट लिखना ना भूले चार्ज का यूनिट होता है ये पूरा ब्रैकेट है क्योंकि जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन uh, के बाद आंसर आएगा वो होगा कूलम में ठीक है तो आप यहाँ पर कूलम कैपिटल सी लिखेंगे अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजी है बहुत ही इजी सॉल्व करके है ये 0.5 पॉइंट फाइव को आप हाफ भी लिख सकते हैं हाफ को अगर 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 का हाफ क्या होता है 300 वेरी इजी अदरवाइज आप चाहें तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आई एम श्योर आपकी मैथ इतनी अच्छी जरूर होगी तो आप ये इजी है आप कर सकते हैं तो क्यू इक्वल टू थ्री हंड्रेड कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज थ्री हंड्रेड कुलम ये आपका आंसर है उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछे कमेंट सेक्शन में इसके बाद चलते हैं मैथ की वर्कशीट पर और फिर हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट थैंक यू